बनाएंगे नींबू का अचार। तो भाई ये नींबू घर के पेड़ पे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें ये दाग से बने हैं, वैसे नींबू अच्छे हैं और कागजी नींबू हैं। तो अभी इनको मैंने गर्म पानी में नमक डाल के भिगो दिया है। आपको देखने में वैसे लगेंगे लेकिन नींबू अच्छे हैं, ताज़े हैं। और भाई ये नींबू भी मैं मेरी बुआ का गई थी उधर, उनका पेड़ है, दो पेड़ हैं नींबू के, तो उन्होंने डाले थे कि ले जा बोले अचार जो डाल लेना। तो मैंने सोचा अभी इतने खाण में तो आवा नहीं गया, अचार डाल दिया क्योंकि मौसम भी आजकल थोड़ा वैसा है ना, तो नींबू इतना ज़्यादा काम मानता नहीं। तो देखा इसका अचार डाल के भाई कैसा रहेगा। तो ये रख दिए हैं मैंने अभी भिगो के गर्म पानी में, थोड़ा नमक डाल के थोड़ी देर इनको भिगोऊंगी, फिर इनको अच्छे से धो के फिर देखा है कोई गोर ज़्यादा ख़राब होगा इस तरह का तो कोई उसको निकाल देंगे बाद में। छोड़ते हैं इनको 5-7 मिनट के लिए। तो वही यहाँ पर रख दिया है मैंने 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए। ये जब उबल जाएगा तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर पानी हो गया हमारा गर्म, यानी कि उबल गया है। अभी रख दी है इस पे छलनी और उस पे रखेंगे नींबू जो हमने धो के तैयार कर दिए हैं। तो अभी इन सब नींबूओं को इसके ऊपर रख देंगे। जो ज़्यादा ख़राब था उसको निकाल लिया है, बाकी नींबू अच्छे हैं। इनको लगा देती हूँ एक बार छलनी के ऊपर। तो नींबूओं को रख दिया है इस छलनी के ऊपर और देखिए भाप निकलने शुरू हो गई है। अब इसको भी हम ढक देंगे अच्छे से, 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और कुछ लिया है मसाला। मसाला देखिए 2 चम्मच हरी सौंफ है और जीरा है 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच मेथी दाना है और 1 बड़ी चम्मच अजवाइन है। और इस सारे मसाले को एक बार भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाले को भून दिया है। अब इसको गैस कर देते हैं बंद और इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। इस सारे मसाले को मैंने निकाल लिया है फ्राई पैन से, यहाँ पर रख दिया, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी करेंगे चाशनी की तैयारी। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप जैसा पानी, यानी कि आधे गिलास से भी कम। और पानी को भी थोड़ा उबाल लेते हैं और साथ में डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली, हर कटोरी मेरी है बड़े साइज की, ये साइज है कटोरी का, तो इसलिए 1 कटोरी ही डालूँगी नींबू के हिसाब से। यहाँ पर ये उबल जाएगा एक बार पानी चीनी, साथ में चाशनी तैयार हो जाएगी। तो जब तक अपने नींबू भी देख लें एक बार, ये हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो देखिए नींबू बिल्कुल नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं एकदम, ये देखिए। अब गैस को कर दे। तो मसाला हमारा पीस दिया था, ये हो गया तैयार। अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर है जो, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक, 1/2 चम्मच डाल दी है कलंजी, 1/2 चम्मच डालेंगे हींग और 1 चम्मच डाल दी है छोटी 1 चम्मच सादा नमक। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे एक बार। तो अभी नींबू को कट कर लेते हैं। ये नींबू हो गए हैं हमारे ठंडे, तो इनको 1 नींबू में से 4 पीस बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी हो गई है तैयार। अब इसमें डाल देंगे हम जो मसाला हमने तैयार करा था। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर गैस को मीडियम करके
यानी कि गैस कम करके पकाएंगे थोड़ी देर मसाले को। तो वही नींबू को कर लिया है कट यहाँ पर, तो वही मसाला भी हमने थोड़ा सा पका लिया है, अब इसमें डाल देंगे नींबू। अब नींबू को भी थोड़ी देर पकाएंगे, मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब 3-4 मिनट के लिए नींबू को भी पकाएंगे मसाले के साथ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। तो देखिए कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो देखिए हमारा अचार बन के हो गया है तैयार। 2-3 मिनट इसको पका लिया है कम फ्लेम पे। अब गैस को कर देते हैं बंद और अचार हो गया हमारा तैयार। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी सा अचार बना है। तो इसको रख देते हैं अभी ठंडा होने के लिए। हो गया ना झटपट तैयार हमारा नींबू का अचार।